अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस, मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। इसके बाद मेरे वीडियो देखने मेरे यूट्यूब चैनल स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और मेरे फेसबुक पेज स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पे। सबसे पहले मैं आप सबको शुक्रिया अदा करूँगा कि जो आपको पता होगा कि मेरी फैमिली में एक प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे चाचू की डेथ हो गई थी। जो आप लोगों ने मैसेजेस किए, कॉल्स किए, उसका आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं इस बार रिक्वेस्ट करूँगा जो हमारे मुस्लिम दोस्त हैं हमें देख रहे हैं इस वक्त, एक दफ़ा सूरह फातिहा ही पढ़ दें ताकि उनको साला सवाब पहुँच सके। बहरहाल मैं आता हूँ अपने टॉपिक पे। आपको बता दूँ कि हम लोग अपने आज रेगुलर से अपने बिज़नेस में वापस ज्वाइन कर लिए है, ठीक है। मैं अपनी ऑफिस में ही हूँ, मीरपुर ब्रांच में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप हमसे रब्ता भी करना चाहें तो 9 to 5 रब्ता भी कर सकते हो हम आपका। दोबारा से जो हम लोग काम करते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम उस तरह काम दोबारा जारी कर सकें, ठीक है। UK विजिट वीज़ा, ऐसी क्या गलतियाँ हैं जिसको हम लोग करते हैं जिससे हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है? कॉमन मिस्टेक्स हैं, कोई इस तरह की नहीं। आप इसको ये नहीं कह सकते जी कि हम लोग ये मिस्टेक नहीं करेंगे तो हम लोग उसको ले लेंगे। देखें, UK एक वाहिद कंट्री है जो पूरी दुनिया में, जब मुझे पता काम करते हुए 7-8 साल हो गए, मैंने अब तक जज किया है कि वो कैसा कंट्री है कि वो आपको अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करेगा तो आपको बताएगा, एक एक चीज़ के बारे में बताएगा मैं आपका किस किस पॉइंट पर रिफ्यूज़ कर रहा हूँ। और काफ़ी लोग ये समझते हैं कि जो उसके रिफ्यूज़ल लेटर के पीछे लिखा होता है कि आपका राइट ऑफ अपील नहीं है, तो मैं कहता हूँ चैलेंज करके कि आपके पास राइट ऑफ अपील है, आप उसकी अपील कर सकते हैं, आपको उसका जवाब भी 14 डेज में आ सकते हैं और आपको 100% UK का वीज़ा भी मिल सकता है। ज़रूरी है कि जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो फेक ना हो, जेन्युइन हो, ठीक है। आप जो भी आप बात कर रहे हैं वो जेन्युइन हो, आपका सब कुछ जेन्युइन हो। अब मैं आता हूँ जो हम लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, मिस्टेक हमारी क्या होती है। मैंने पहले वीडियो बनाई थी, मैं फिर बता रहा हूँ कि जो लोग वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं वो चीज़ें देख लें, अगर उनकी चीज़ें कंप्लीट है तो वीज़ा अप्लाई करें, अगर उनकी चीज़ें कंप्लीट नहीं है तो थोड़ा सा वेट कर लें, अपना होमवर्क कंप्लीट करें, देन अप्लाई अगेन। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं इसका डायरेक्टर हूँ इसका इमिग्रेशन का, ठीक है, लेकिन मेरा भी एक सैलरी अकाउंट है। सैलरी अकाउंट में क्या करता हूँ मैं, अपने हर महीने अपने बिजनेस अकाउंट से सैलरी अकाउंट में फीस ट्रांसफ़र, अपनी सैलरी ट्रांसफ़र कर देता हूँ एक अमाउंट। अब उसमें से मैं अगर शॉपिंग करने जाता हूँ या खाने पीने जाता हूँ या फिर जो भी करता हूँ, पेट्रोल डलवाता हूँ गाड़ी में जो भी, तो मैं उसमें से कैश पेमेंट कार्ड से कर देता हूँ या कैश निकलवा देता हूँ, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है, अब उनको जब मैं वीज़ा अप्लाई करूँगा तो वीज़ा ऑफिस को पता होगा जी कि उसकी इतनी इनकम है, मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, मेरी इतनी इनकम है और मेरी इतनी मतलब सेविंग है, ठीक है। सेविंग से क्या होगा, मेरे जो अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मिसाल दो, मेरी 10 रुपये सैलरी है, ठीक है, जिसमें से मैंने ये शो किया जी 6 रुपये मेरी सेविंग है और 6 रुपये मेरे अकाउंट में पड़ी रहेगी, 4 रुपये जो मैं अपने एक्सपेंस करूँगा। अब जरूरी मैं 4 रुपये करूँ, मैं 4.25 भी कर सकता हूँ, 4.25 भी कर सकता हूँ, 4.5 भी कर सकता हूँ। मैं आपको जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसमें ये चीज़ क्लियर आती है कि आपके जो एक सेविंग है वो क्लियर है, आपकी इनकम क्लियर है। अब मेरे अकाउंट में अगर मिसाल के तौर पर 15 रुपये पड़े हैं, बिजनेस अकाउंट में वीज़ा अप्लाई कर दूँ, कहूँ जी मेरे पास 15 करोड़ रुपये पड़े हैं और मेरे पास सारा कुछ, तो आपका वो 99% वीज़ा रिफ्यूज़ है। वीज़ा रिफ्यूज़ किया, वीज़ा ऑफिसर ये कहेगा या जो आपके अकाउंट में 15 करोड़ पड़े हैं, मैं इसको किस तरह यकीन कर लूँ कि आपकी सेविंग है? ये तो आप बिज़नेस में दोबारा लगा सकते हैं, क्योंकि बिज़नेस में तो कोई लिमिट नहीं होती कि आ रहे हैं जा रहे हैं, और आपका जो भी है सेविंग अकाउंट का मतलब ये होता है कि उसमें आप अपनी सेविंग शो कर सकें जी मेरे पास इतनी सेविंग है, मेरी इतनी सैलरी है, मेरा इतना इतना बिजनेस है, इसमें ट्रांसफ़र करता हूँ मेरी फ़िलहाल और मेरी रूटीन वाइज ये इनकम हो रही है। तो वीज़ा ऑफिसर कहता है वाकई इसकी जो सेविंग है, सेविंग के बाद मेरी है कि इतना अपना इसमें जो अपना टूर कर इसमें अपना एक्सपेंस कर सकता है। अब आपका इस ऑप्शन ये भी होता है कि काफ़ी लोग समझते हैं कि हमारे पास नहीं होता, अगर हम स्पॉन्सर ज़रूरी है UK से कोई फैमिली फ्रेंड कर दे कोई भी, आप विदाउट स्पॉन्सर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ शराइत है। शराइत ये है कि आपकी ट्रैवल सी स्ट्रॉन्ग हो, अगर ट्रैवल सी स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो आपका पर्पज ऑफ ट्रैवल क्लियर हो कि आप क्यों जा रहे हैं, मीटिंग है, कोई यूनिवर्सिटी का कोई सेमिनार हो रहा है, कन्वेंशन, जो भी XYZ आप हो रही है, आपका पर्पज आपने क्लियर उनको बताना है तभी आपका वीज़ा ग्रांट होगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ टूरिज्म के लिए जाना है तो या फिर दो चीज़ें होनी चाहिए, या फिर आपकी ट्रैवल सी स्ट्रॉन्ग हो या फिर आपके सर्कमस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो। सर्कमस्टेंस मीन सके आपकी मंथली जो इनकम है वो इतनी अच्छी हो और क्लियर हो, डिक्लेयर हो FBR में कि आपको वीज़ा ऑफिसर समझे यार ये वाकई जेन्युइन टूरिस्ट है, इसने वाकई जाना है, वापस आना है, क्योंकि इसके यहाँ पर बिज़नेस अच्छा चल रहा है, इसकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, इसके बीवी बच्चे हैं, इसके पेरेंट्स हैं, इसके जो भी हैं आपके सर्कमस्टेंस टाइज हैं स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपका वीज़ा स्ट्रॉन्ग होगा। और सबसे मजे बात, अगर आपका वीज़ा फिर भी रिफ्यूज़ हो जाता है तो आपके पास राइट ऑफ अपील होता है, अपील आप कर सकते हैं, इसकी ऑनलाइन कोई चार्जेस नहीं होते और आपको उसका जवाब भी विद इन 14 डेज 14 डेज में आ जाता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्कस करना चाह रहा था, UK से रेलिवेंट, UK के वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा की ये गलतियाँ अगर आप करेंगे, ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, मिस्टेक तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन ये कॉमन मिस्टेक है जिसको हम लोग क्लियर खुद कर सकते हैं। 99% जो वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेज जो रिफ्यूज़ल होता है उस पर आप पढ़ेंगे कि यही पॉइंट्स लिखे होते हैं
आपकी बैंक स्टेटमेंट मुतमईन नहीं है, आपके पैसे इतने आ रहे हैं इतने जा रहे हैं, आपने ये लिखा हुआ है फलां लिखा हुआ है, इसको क्लियर कर लें तो आपको वीज़ा आराम से मिल जाएगा। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, डिस्कस करना चाहता था यूके से रेलिवेंट। आपसे दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।